हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गेन में। मैं विकास चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11.8.5.2 एंड सो ऑन। चेक हमें ये करना है कि -150 इस एपी का एक टर्म, एक मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर इस एपी में हम देखें, अगर इस एपी में हम देखें, ए हमारा 11 है और डिफरेंस हमारा है 5 -8 या 8 -11 -3। फॉर्मूला हमारा होता है एपी निकालने का, नंबर ऑफ टर्म निकालने का, ए एन नंबर ऑफ टर्म, ए एन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज हमारा कह रहा है वो -150 इसका टर्म है कि नहीं, तो हम ए एन इक्वल टू मानेंगे -150। क्यों? क्योंकि ये 150 इसका लास्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। 150 टर्म है या नहीं है, तो -150 क्योंकि क्या होगा, अगर पॉजिटिव है माइनस में लास्ट में माइनस में जा रहे हो तो माइनस लास्ट में ही जाएगा, ठीक। लास्ट टर्म हमने माना इसको ए एन नंबर ऑफ टर्म, वैल्यूज पुट करिए एगा 11 और डी का -3, तो एन इक्वल टू आया 164/3। 164/3 अगर हम इसको लोएस्ट की लोएस्ट करें तो 3 5 15 एंड 3 4 12 2/3। क्या है ये मिक्सड में आ रहा है, टोटल का डिवाइडेड नहीं हो रहा है, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो -150 है ये इसका एक इंटीजर या इसका एक टर्म नहीं है। एन इज नॉट एन इंटीजर, जो एन की वैल्यू है ये इंटीजर नहीं है, ये इसका टर्म नहीं है, एक नंबर ऑफ टर्म में नहीं आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। 31st टर्म हमको फाइंड करना है, 11 टर्म दिया है 38, 16 टर्म दिया है 73। 11 टर्म 30 दिया है, मतलब ए 11 दिया 38 आपका, ए 11 दिया 38, ठीक है, ए 16 दिया है 73। वही फॉर्मूला हम फिर से पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का वैल्यू 11 लगा देंगे, ए पता नहीं है हमें, डी पता नहीं है, इससे एक इक्वेशन बन जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, 16 टर्म निकालेंगे तो ए 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, इससे दूसरा टर्म बन जाएगा, ए 16 हमारा 73 है, यहाँ पुट कर देंगे हम 73, दूसरा टर्म से इक्वेशन बन जाएगा 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, ठीक है। इसमें से हम ए का वैल्यू और डी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 15 डी माइनस 10 डी हो जाएगा 5 डी, 73 माइनस 38 हो जाएगा 35, डी का वैल्यू आ जाएगा 7, 5 का डिवाइड लगाएंगे 35 में, 5 7 35, ठीक है। अब डी का वैल्यू 7 निकाल लिया हमने, डी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, या इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, किसी में भी रख दो। अगर इसमें हम डी का वैल्यू 7 रखेंगे तो ए आ जाएगा -32। निकालना क्या है हमें, 31st टर्म, 31st टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू आपका कितना निकालना है, ए 31 है, ए -32 आया है और एन 31 निकाल, एन 31st टर्म निकालना है तो एन 31, डी आपका 7 निकल गया है, यहाँ से डी हमने यहाँ रख दिया, कैलकुलेट करेंगे तो 178 आ जाएगा आपका 31st टर्म, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म आपका 12 है, मतलब ए 3 इक्वल टू 12, ठीक है, और लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म में टोटल लास्ट टर्म हो गया ए 50 इक्वल टू 106। निकालना क्या है, 29 टर्म, तो वही दो इक्वेशन बनेंगी, तो पहले ए ए थर्ड 3 टर्म निकाल लेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 2 डी, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 डी एन इक्वल टू 3। इसी तरह ए 50 निकालेंगे तो ए 50 हमें दिया है 106 और ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी मतलब 49 डी, दो इक्वेशन बनेगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 49 डी माइनस 2 डी 47 डी
और एक से ए कैंसिल हो गया, 106 माइनस 12 इक्वल टू 94। ठीक है, डी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 47 टू 94। इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू, इक्वेशन सेकंड में किसी में भी रख देंगे तो ए आ जाएगा आपका 8। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा है ए प्लस 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 8। अब ए 29 टर्म निकालना है, 29 टर्म निकालने के लिए वही ए 29 इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू 29, डी का वैल्यू 2 रख दिया हमने, तो ये आपका हमारा आ गया 8 प्लस 56 इक्वल टू 64, 29 टर्म आ गया 64। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। अगर कह रहा है 17 टर्म को इसके 10 टर्म से एक्सीड करने पर 7 हमें मिल रहा है, मतलब माइनस करने पर, तो क्या करेंगे, हमको क्या क्या दिया है, पहले ए 17 टर्म की बात की है उसने, तो हम ए 17 टर्म निकालेंगे पहले। ठीक है, या हम सीधा कह सकते हैं ए 17 माइनस 10, सीधा वैल्यू भी रख सकते हैं, हम पहले भी निकाल सकते हैं, तो हम पहले निकालना चाहें पहले निकाल लें, बाद में निकालना डायरेक्ट लगाना चाहें तो या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पहले निकाल लेते हैं, तो ए 17 इक्वल टू ए 17 माइनस 1 इंटू डी, ए 17 निकला ए प्लस 16 डी, यानी 17 टर्म 17वां पद निकल आया 16 ए प्लस 16 डी। तो इसी तरह 10 टर्म निकालेंगे तो ए 10 ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब 9 डी। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, एक्सीड का मतलब माइनस, 17 टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू 7, 17 टर्म माइनस 10 टर्म इक्वल टू 7। ठीक है, तो हो गया ये 17 टर्म क्या आपका ये रहा ए प्लस 16 डी, और माइनस 10 टर्म ये रहा ए प्लस 9 डी इक्वल टू 7। ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसे ए कट जाएगा, 16d माइनस 7 9d, 7d बचेगा इक्वल टू 7d इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का फाइनल क्वेश्चन। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term? ये कह रहा है अगर इसका 54 term निकालें से AP का तो 132 more कितना होगा? ठीक है, 132 more कितना होगा? तो सबसे पहले हमें AP में हमको A दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है, निकाल लेते हैं 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ए 54 की बात करें तो ए 54 माइनस 1, तो ए आपका निकल आया ये 3 प्लस 56 से 39। ठीक है, 54 टर्म 132 से कितना ज़्यादा होगा? अब 54 प्लस 32 कितना ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा टर्म होगा? अगर 54 टर्म निकालने के बाद 132 उसमें और ऐड कर दिया जाए तो वो कौन सा टर्म होगा ये पूछा है। Which term of will be 132 more the of its 54 term? ठीक है, कौन सा टर्म होगा जो इस एपी के 54वें टर्म से, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? ठीक है, तो 132 इसमें और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 771, मतलब an इक्वल टू 771 निकल आया। अब इस an की ही वैल्यू, n की वैल्यू निकालनी है, an तो पता है हमें, लास्ट टर्म पता है 771, अब वो n निकालना है कि वो नंबर कितना होगा, 771 कितने नंबर पर आएगा, तो वही हम काम करेंगे फॉर्मूला लगा के, an का वैल्यू n हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 3 है, n माइनस 1 इंटू 12, डी आपका 12 है, अभी आपने यहाँ से फाइंड किया था, एन माइनस वन इक्वल टू 12 माइनस कर देंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे 64 हो जाएगा, अगर माइनस वन करेंगे तो एन आ गया 65, 65th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 771। ठीक है,
हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एन इक्वल टू 54 प्लस 132 अपॉन 12, सिक्सटी फोर, तो 65 हम निकालेंगे, 54 प्लस 132 अपॉन 12, 12 क्या है डिफरेंस, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं एन टर्म को, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।